गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जो स्पेशली हमारे ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए और बीएससी सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में जनन, उसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जैसे हिंदी में हम परागण कहते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पॉलिनेशन होता क्या है और साथ ही साथ पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फ्लावर होता है उसमें किस तरीके से जो एंथर्स हैं उनमें पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पॉलिनेशन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझ लें। वैसे इस पर मैंने पहले भी अपना एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने फ्लावर का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से देख लें, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर भी बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, यानी कि आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें जो पुष्प यानी कि फ्लावर होता है वो इनका जनन अंग होता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब ये जो फ्लावर होता है इसमें मुख्य रूप से चार ऑर्गन्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। तो आप देख सकते हैं सबसे बाहर की तरफ ये क्या है, ग्रीन कलर से बने हुए, दीज आर द कैलेक्स। ये रेड कलर से बने हुए हैं जिनको हम कोरोला कहते हैं, और ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाए हैं ये एंड्रोशियम होते हैं। और आपको बता दूं कि एंड्रोशियम जो है वो प्लांट का या फ्लावर का मेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम की जो एक यूनिट होती है उसे हम कहते हैं स्टैमन। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कई सारे स्टैमन इस तरीके से बनाए हुए हैं, और जो एक यूनिट है इसे हमने स्टैमन कह दिया, और स्टैमन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। स्टैमन के ऊपर का ये जो पार्ट होता है इसे हम एंथर कहते हैं, और आपको बता दूं कि इन्हीं एंथर्स के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो होते हैं मेल गैमेट्स। तो ये एक फ्लावर मैंने दिखाया, यहाँ पर मैंने स्टैमन्स दिखाए यानी एंड्रोशियम, और ये उनका एंथर वाला पार्ट, और एंथर वाले पार्ट के अंदर से क्या निकल कर आया बीच में, पॉलन ग्रेन्स। इसी तरीके से बीच में जो आप ये ऑरेंज कलर का पार्ट देख रहे हैं ये है गाइनेशियम। गाइनेशियम में आपको बता दूं कि सबसे नीचे की तरफ जो फूला हुआ पार्ट है उसे हम ओवरी कहते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और ये जो हमारा गाइनेशियम है इसके टिप को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो कुछ बेसिक टर्म्स हमें याद रखने हैं ताकि हम पॉलिनेशन को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहली बात कि जो फ्लावर होता है उसमें स्टैमेंस पाए जाते हैं, स्टैमेंस के अंदर एंथर होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि मेल गैमेट होते हैं। अब बीच में हमने आपको बताया गाइनेशियम होता है, गाइनेशियम में ऊपर की टिप पर क्या होता है, स्टिग्मा होता है। तो ये कुछ खास टर्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं पॉलिनेशन को समझने के लिए। तो बहुत ही ईजी वे में हम पॉलिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स बने हैं ये एंथर में बनने के बाद बाहर आएंगे, और बाहर आकर कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पर, और यही पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुँचना पॉलिनेशन कहलाता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन पॉलिनेशन की मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डेफिनेशन की, कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होगी। तो सिंपली पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज, पॉलिनेशन को हम परिभाषित कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि पॉलन ग्रेन्स आपने देखे यहाँ पर बन रहे थे कहाँ, एंथर में, और ये जाकर कहाँ ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा पर। तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुँचना क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। तो डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक, ऑफ द सेम फ्लावर, और ऐसा सेम फ्लावर्स में यानी कि जिस फ्लावर पे एंथर पाए जाएंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएं तो भी पॉलिनेशन है, या कई बार ऐसा भी होता है कि एंथर यहाँ से निकलकर किसी अदर फ्लावर पर चले जाते हैं, लेकिन हाँ उसी स्पीशीज़ का फ्लावर होना चाहिए तो भी ये पॉलिनेशन ही कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज़, मतलब उसी जाति का कोई दूसरा पौधा लगा हुआ है उस पर भी अगर एंथर जाते हैं, पॉलिनेशन जाते हैं, तो भी ये पॉलिनेशन कहलाएगा। चलिए थोड़ा इसको और आसान करते हैं कि कभी भी अगर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से निकल कर स्टिग्मा पर जाएँ, अब चाहे वो स्टिग्मा उसी फ्लावर का हो या फिर उसी प्लांट पर लगे हुए किसी दूसरे फ्लावर का हो, या फिर आसपास उसी स्पीशीज़ का कोई और प्लांट लगा हुआ है
उसके स्टिग्मा पर जाएं तो ये प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाएगी। तो डेफिनेशन में आपसे कहा गया कि पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीशी। सिंपली कि परागण को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पुष्प के परागकण वहाँ से एंथर से निकलकर उसके स्टिग्मा पर या उसी पौधे के किसी अन्य फ्लावर के स्टिग्मा पर या किसी अन्य पौधे पर, जाति वही होनी चाहिए, अगर पहुँचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। स्टिग्मा को हिंदी में हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, तो जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी समझ लें एक परिभाषा कि जब किसी पुष्प के परागकण किसी पुष्प के एंथर यानी कि पराग कोष से निकलकर उसके वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो यह प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। तो परागण, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम में भी बहुत क्लियरली मैंने दिखाया है कि किस तरीके से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर जाते हैं। तो एक सिंपल सी प्रक्रिया है कि जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जाएंगे यानी मेल और फीमेल मिलेंगे, आपको पता है कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, और हमारा ये जो गाइनेशियम है उसमें अंदर क्या है, ओव्यूल है, फीमेल गैमेट इसी में बनते हैं। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे मिले, पॉलिनेशन की वजह से। अगर पॉलिनेशन नहीं होता तो मेल फीमेल गैमेट आपस में मिलते ही नहीं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाती। तो पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होना ज़रूरी है। तो ये तो आपने डेफिनेशन को समझ लिया कि ये पॉलिनेशन होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन जो हमारा है वो कितने टाइप का होता है और उनकी क्या डेफिनेशन होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है और एक डायग्राम भी, जिससे आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यानी कि परागण के प्रकार। तो पॉलिनेशन जनरली दो तरह से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। अब ये जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है ये क्या है, आइए पहले इसको समझते हैं फिर मैं आपको इसके टाइप बताऊंगा। सपोज करिए ये एक प्लांट लगा हुआ है। अब इस प्लांट में आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ का प्लांट हो सकता है ये, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं सभी क्या लगे हैं, फ्लावर्स लगे हैं। अब ये जो फ्लावर्स लगे हुए हैं इनमें आप देखिए बीच में क्या है, गाइनेशियम है, और ये साइड में क्या है, एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम में क्या होंगे, वही स्टैमेन जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले फ्लावर में कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो निकलकर इसी के स्टिग्मा पर आ रहे हैं, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में आप देखें कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इसी प्लांट पर लगे हुए किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशंस क्या हो रही हैं कि जब किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पर या उसी प्लांट पर लगे हुए किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब किसी पुष्प के परागकण या पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पर जाएं या उसी प्लांट पर लगे हुए किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे तो यह प्रक्रिया स्वपरागण या फिर सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी, ठीक है ना। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें भी दो कंडीशन है। एक कंडीशन आपने क्या देखी कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये निकल कर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं, एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन में आपने क्या देखा कि पॉलन ग्रेन्स निकलकर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं। दोनों ही कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन की हैं लेकिन दोनों के लिए अलग अलग टर्म्स यूज हुए हैं। पहला वाला है ऑटोगैमी और दूसरा वाला है जिटोनोगैमी। अब ये ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी क्या है मैं इनको डिफाइन करता हूँ। ऑटोगैमी के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेम फ्लावर वही पुष्प, मतलब अगर पॉलन ग्रेन्स निकलकर अपने ही फ्लावर पर जाते हैं स्टिग्मा पर तो ये क्या है, ऑटोगैमी, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन्स निकलकर अपने ही प्लांट के, ये देखिए पूरा प्लांट एक ही है, अब इसमें किसी भी फ्लावर पर ये चले जाएं पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर तो ये कहलाएगा आपका जिटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी में सेम फ्लावर रहेगा और जिटोनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर्स हो जाएंगे ऑफ सेम प्लांट, लेकिन प्लांट नहीं बदलना चाहिए, प्लांट वही होना चाहिए। तो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑटोगैमी में पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं जबकि जिटोनोगैमी में पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट पर लगे हुए किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो सेकेंड वाला है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं पर परागण। अब ये क्या है आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात ये कि एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जो पॉलिनेशन होता है वो हमेशा सेम स्पीशीज़ के प्लांट्स के बीच में माना जाएगा। जैसे कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में भी कि सर अगर किसी अमरूद के पेड़ से निकलने वाले पॉलन ग्रेन्स आम के पेड़ के स्टिग्मा पर पहुँच जाएंगे तो क्या होगा,
तो आपको बता दूं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब सेम स्पीशीज़ होगी। तो आप याद रखें इस बात को कि पॉलन ग्रेन निकल कर अगर उसी स्पीशीज़ के प्लांट पर जाएंगे तभी इसे हम पॉलिनेशन मानेंगे, ओके, अदरवाइज ये पॉलिनेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में आपने क्या देखा कि ये एक प्लांट लगा हुआ है, अब इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स आप देख पा रहे हैं यहाँ से निकले और इस वाले प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँच गए। ये एक दूसरा प्लांट है लेकिन स्पीशीज सेम है। आप देखिए जैसा प्लांट मैंने ये बनाया है वैसे ही ये बनाया है, बट हुआ क्या कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकले और कहाँ आ गए, इस वाले प्लांट के किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर ये पहुँच जाएंगे। ये प्रक्रिया कहलाएगी क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब जब किसी पुष्प के पॉलन ग्रेन्स निकल कर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब अगर प्लांट चेंज नहीं होता तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर प्लांट चेंज हो गया लेकिन स्पीशीज वही रहेगी, अगर आम है तो आम ही रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब एक फ्लावर से निकल कर दूसरे फ्लावर पर आए तो फ्लावर कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। ऑफ डिफरेंट प्लांट, प्लांट भी डिफरेंट हो गया, फ्लावर भी डिफरेंट हो गया। ऑफ सेम स्पीशीज, लेकिन स्पीशीज क्या रहेगी, सेम। तो जब कभी किसी पुष्प के परागकण उसके स्टिग्मा एंथर से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर पाए जाने वाले किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो ये प्रक्रिया क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको मेंशन कर दूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन तो जनरली हो गया यहाँ पर, आपने देखा एक सिंपल तरीके से, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पास में ही कोई प्लांट लगा होगा, हो सकता है दूर हो। तो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनसे ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हैं। अब ये मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक अगर एयर वायु के द्वारा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, वायु परागण। जल के द्वारा जा रहा है तो हम कहेंगे वाटर पॉलिनेशन, यानी जल परागण। तो ये कई सारे साधन हैं, इंसेक्ट्स भी लेकर जाते हैं, कीट परागण कहलाता है। तो इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा हमारे अगले लेक्चर में। यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को बताया कि फ्लावर में कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गाइनेशियम है, जिसमें से एंड्रोशियम मेल होता है। एंड्रोशियम की एक यूनिट स्टैमेन कहलाती है। स्टैमेन के ऊपर एंथर पाए जाते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स गाइनेशियम के पास जाते हैं यानी स्टिग्मा पे जाते हैं, तो इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझ लिया, पॉलिनेशन की डेफिनेशन को समझ लिया, और इसके बाद आपने जाना कि हमारा जो पॉलिनेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। दोनों टाइप मैंने आपको बताया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में आपने देखा कि जब पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं जिसमें वो पाए जा रहे हैं तो ये ऑटोगैमी है, और जब उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो ये जिटोनोगैमी है। इसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन में हमने क्या देखा कि जब प्लांट चेंज हो जाए, स्पीशीज वही रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक को लेकर तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। यहाँ पर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी क्रॉस पॉलिनेशन के कितने तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डिटेल में विद एग्जांपल और डायग्राम्स के साथ मैं अगला वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा। यहाँ पर फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।